नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में कांग्रेस विधि विभाग के पदाधिकारियों ने महामहिम राज्यपाल के नाम मांग पत्र सौंपा। आजमगढ़ कलेक्ट्रेट के आंदोलनरत अधिवक्ताओं के समर्थन में राज्यपाल को संबोधित मांग पत्र जिलाधिकारी के माध्यम से प्रेषित किया गया। आजमगढ़ जिला कार्यालय से कांग्रेसियों ने एक जुलूस निकाला। ये जुलूस कलेक्ट्रेट पहुंचा, जहां जिलाधिकारी के माध्यम से संबोधित एक ज्ञापन राज्यपाल को सौंपा गया। इस दौरान कांग्रेस विधि विभाग के चेयरमैन जगदम्बिका चतुर्वेदी एडवोकेट ने कहा कि कलेक्ट्रेट के अधिवक्तागण उप जिलाधिकारी सदर द्वारा अधिवक्ताओं के साथ लगातार दुर्व्यवहार एवं उनके नियम विरुद्ध कार्यों से क्षुब्ध होकर कई बार जिलाधिकारी आजमगढ़ से शिकायत किया, लेकिन जिलाधिकारी ने भी अधिवक्ताओं की बातों को नजरअंदाज कर दिया। इसे लेकर कलेक्ट्रेट के अधिवक्ता अनिश्चितकालीन हड़ताल धरने पर चले गए। कांग्रेस विधि विभाग उप जिलाधिकारी सदर के अविलंब स्थानांतरण की मांग करता है। आजमगढ़ से कैमरामैन तत्वेश्वर के साथ नासिर हुसैन की रिपोर्ट। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए और बताइए कि क्या मामला है आज आप जिलाधिकारी चेयरमैन के जिला कांग्रेस कमेटी आजमगढ़। आज किन मांगों को लेकर आप यहाँ पे आए? यहाँ एसडीएम सदर द्वारा अधिवक्ताओं के साथ मनमानापूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। कानून को अपनाए हुए वो फाइलों में जो है आदेश करते चले जा रहे हैं। हम लोग की शिकायत नहीं सुन रहे हैं। इस एसडीएम साहब के खिलाफ हमने एक प्रार्थना पत्र दिया जिलाधिकारी महोदयों के, लेकिन उनके बाद में कार्रवाई नहीं हुई। और इसी को लेकर के हमारे कलेक्ट्रेट के अधिवक्ता भाई जो है आंदोलित हैं, उनके आंदोलन को आंदोलन के समर्थन में हम जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से राज्यपाल महोदय को ये ज्ञापन दे रहे हैं, जिसमें एसडीएम साहब के स्थानांतरण की बात है। और जिलाधिकारी साहब से ये हमारी ये मांग है कि वह अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से ये कहें कि वह अधिवक्ताओं के साथ अच्छे तरह से व्यवहार करें, ठीक तरह से काम करें। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होंगी तो आगे आपका अगला कदम क्या होगा? अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हो तो इससे बड़ा आंदोलन करने के लिए हम और हमारी पार्टी बाध्य होगी। ठीक है।